बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है, हम लोग सब खैरियत से हैं। तो मैं आज सूप तैयार करने लगी हूँ, और सूप के अंदर तो जो जो उनसे चीज़ें जाएंगी आप लोगों को मैंने ये दिखा दी है। ठीक है, कुछ मटर हैं, थोड़े से चिकन है, शिमला मिर्च है, गाजर और बंद गोभी, ठीक है, कॉर्नस्टार्च है, चिलगाली, सोया सॉस। तो चले चलते हैं फिर रेसिपी की। तो थोड़ा सा मैंने घी लिया था, ठीक है, देसी वाला लिया था। आप जोन पर चाहें तो ले सकते हैं। मटर ऐड करेंगे, मटर ऐड कर दिया, गाजर और शिमला मिर्च भी। तो इनका खस्ता होता मैं फ्राई करूँगी पहले, तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो साथ ही मैंने चिकन भी ऐड कर दिया, तो इसे मैंने फ्राई कर लिया दोनों चीज़ों को, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर जवनी है वो ऐड करूँगी, ठीक है। साथ साथ इसके अंदर जो मसाले और चीज़ें हैं वो ऐड करती हूँ। तो जिसमें मैंने चिकन बॉईल किया था उसका जो जखनी और यखनी थी वो भी मैंने ऐड कर दिया अब इसके अंदर, ठीक है। तो ये कुछ मेरे पास पड़े थे दाने, मैंने इनको भी बॉईल कर लिया था तो इनको भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो बस उबाइल आने तक अच्छे तरीके से हम इसे पका लें, फिर इसके अंदर दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। तो दो चम्मच मैंने कॉर्नस्टार्च लिया है तो उसे मैं अब मिक्स करूँगी, ठीक है। पानी में मैंने उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। तो अब जैसे जैसे ये तैयार होता जा रहा है तो मैं इसके अंदर अंडों को ऐड करूंगी। तो मैंने अंडे लिए थे, काली मिर्च जो पाउडर है वो ऐड करूँगी। तो आधा चम्मच है वो मैंने काली मिर्च ऐड की है। चिली सॉस दो चम्मच, नमक मैंने पहले ही ऐड कर लिया हुआ था। आप लोग चाहें तो जायके के लिए इसे भी ऐड कर सकते हैं, या ऑप्शन है, ठीक है, स्किप कर दें, वो आप लोगों की मर्जी है। तो मैं इसे ऐड करूँगी, ठीक है। तो हाँ जी, ये देखिए हमारा सूप जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब हम मैं नीचे से चूल्हे को बंद कर दूँगी और इसे मैं उतार लेती हूँ, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मज़े का तैयार हुआ है। तो हाँ जी, ये देखें हमारी सूप की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा मज़े का है, तो आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को आप लोग शेयर करें और मेरे चैनल को सबसे सब्सक्राइब कराएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। तो मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है ये वाली, ठीक है। सूप बहुत ज़्यादा सबको पसंद होता है, सर्दियों में ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा लोग शौक से पीते हैं इसे। तो आप लोग भी घर में बनाएं और ख़ुद भी पिएं, अपने बच्चों को भी बना के पिलाएं, और आपके घर मेहमान वगैरह आएँ तो उनके लिए भी आप बनाएं, ठीक है। तो फिर इसके साथ मैं चाहती हूँ इजाज़त, अपना ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराना है और लाइक करना है, ख़ुद भी करें और दूसरों से भी मेरे चैनल को लाइक कराना मत भूलें, ठीक है। तो फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ, इंशाल्लाह अच्छी वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के साथ, वो भी शेयर करूँगी। सूप की रेसिपी कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय। अपना ख्याल रखना, दुआ में मुझे याद रखना।